जंगल को अगर तुम देखो ना, जंगल को, एक मूवी आई थी थ्री इडियट, उसका जो सुपरस्टार है वो है रैंचो। रैंचो की पहली क्वालिटी बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी पिक्चर देखी, पहली क्वालिटी पर खड़े हो जाओ। और कोई एग्जांपल दो इस बात का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का एक एग्जांपल दो। बैठो बैठो बैठो। अब देखो इनको मैं बता रहा हूं, रैंचो को तुम एक अपना आइडियल बनाओ। रैंचो, इन्होंने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल ये है, तुम्हारे बगल एक आदमी वीडियो बना रहा, बहुत मार मारेंगे अभी, वहीं पे आके जा लेना, फोन रख दो। इतनी बड़ी बात चल रही, बंदा वीडियो बना रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि रैंचो का सबसे पहले क्वालिटी था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तीन आदमी एक शादी के समारोह में एंटर करते हैं, ठीक, किसी दूसरे की शादी, उनको पता ही नहीं किसकी शादी है। वहां पर उनको एक लड़की मिलती है, उस लड़की का फियांसी मतलब मंगेतर आके उस लड़की से कहता है कि इससे शादी मत करना, अननोन अननोन आदमी, अननोन अननोन आदमी किसी अपरिचित की शादी में घुस गया है और वहां एक अननोन लड़की से कह रहा है कि तुम अपने मंगेतर से शादी मत करना। वो कहती है एक्सक्यूज मी, कहता सुनो ये प्राइस टैग है, जिंदगी भर तुमको प्राइस बताता रहेगा। कहता डेमो दू। हाँ, पहली क्वालिटी उस आदमी की है ऑब्जर्वेशन। तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया है, देखना छोड़ दिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिया है। देखो तुरंत चटनी उठाता है, ले आके उसके जूते पे डाल देता है, ओ कहता $300, कहता देख। जब तुम किसी बात को कहकर प्रूव कर ले जाते हो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस होती है। तो पहली चीज जो रैंचो की तुम्हें सीखने वाली है वो है उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात, तुमने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तीन आदमी एक अपरिचित की शादी में घुसते हैं, पकड़े जाते हैं। वो कहती है ना, आप मेरे पापा को प्लीज समझा दीजिए। तीनों टर्न हो, पूछते हैं कहां है तेरे पापा, कहते पीछे खड़े हैं आप। टर्न होता है, देखता कि यार डीन खड़ा है मेरा, कहते गुड इवनिंग सर। अब गौर करना उस सीन पे, तुमने गौर नहीं किया। कहता किसकी तरफ से आया उस शादी में? एक आम आदमी हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाएगा ना। कहते सर हम साइंस की तरफ से आए। एक आम आदमी माफी मांगने लगेगा कि गलती हो गई अंकल जी, और ये अरे कुछ नहीं, सीधा जवाब। लड़की कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं और हम लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं, हम साइंस की तरफ से आए। कहता कैसे? कहता सर दिल्ली की शादियों में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो। ये वो मूवी नहीं थी, वो आज के युवाओं को एक संदेश था, पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है, वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो हा? अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना भुलवा दो, कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे, एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए,
लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ऐसे देखो ना, पहला काम भाई पढ़ाई तो इन लोगों ने डिस्कस कर ली, दोनों लोगों ने तुम लोग को बताया, मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको लिखो अपनी डायरी में। पहला काम, वो सारे पॉइंट्स तुम अपने डायरी में लिखो, आगे कहां बैठेंगे, आगे जगह ही नहीं है, बगल में आए बैठे, एकदम आइए बैठे, बैठाओ भाई। अरे कोई बात, अच्छा सामान, हम तो डर गए कि सामान वामान ले गया होगा। बैठे बैठे, अरे कोई टेंशन नहीं, एकदम एकदम आप बुलवाएंगे। जो पहला काम हर युवा को करना चाहिए, करना ही चाहिए, तुमने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी एक चुनौती है। तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, ग्रोथ। इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं वो सब ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। ये दोनों अकेले कभी नहीं रहते, रहते ही नहीं। जैसे अगर तुम कुंडली देखते होगे या तुम्हारी कुंडलियां होंगी, होरोस्कोप होंगी, कुछ चीजें हैं जो साथ में रहती, अलग होती नहीं। दो ग्रह राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते, कहते नहीं नहीं ये ना करो भैया, आईएएस बनना है, हाँ घंटा पढ़ने पड़ेगा, सर कोई जुगाड़ बता दो। अब तुम चाहते हो आईएएस बनना, चलो बड़ी अच्छी बात है, बनो, लेकिन इसमें जो चैलेंज है, पहला चैलेंज है 8 घंटा मिनिमम पढ़ना, मिनिमम 8 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, 8 बहुत है। लेकिन एक बात अभी छुपी हुई है, सबने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। अब जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में क्या है, एग्जाम 10 दिन का है हर साल, हर साल, यानी ग्रेजुएशन में 365 दिन में तुम्हें सिर्फ 10 दिन मरना है, 355 दिन तुम फ्री हो, यही तो है इंडिया में ग्रेजुएशन, 355 दिन तुम मस्त हो। और इस 10 दिन में जो परीक्षा भी है उसका तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर भी मिल जाता है, हमें तो मिलता था, 20 क्वेश्चन मिलते थे हर पेपर के, और उसपे से हमारे सीनियर कहते थे, बाद में हम अपने जूनियरों से कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना, हेडिंग डालना नेशनल इनकम और फिर पूरी 3 इडियट की कहानी लिख डाली कि एक रैंचो जीते, उनको एक बिजनेसमैन ने हायर किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे, उनका वहां के डीन जो है चतुर्लिंगम से सहस्त्र बुद्धि से बनती नहीं थी, उनसे वहां पे एक दुश्मनी हो गई, चतुर्लिंगम उनसे बहुत चिढ़ता था, उनके दो दोस्त थे फरहान और राजू, राजू के पापा बीमार रहते थे, उनको वहां एक सुंदर सी कन्या भी मिली, उसका नाम प्रिया था, वो अपने नाम के साथ छाछड़ नहीं जोड़ना चाहती थी, और लिखना क्या है, वही तो वो लास्ट में कहती है ना, प्रिया छाछड़। फिर वो बाद में कहता है कि मैं फुंसुक वांगड़ू,
यदि प्रिय वांगडू यहां क्या है, यहां 10-8 घंटे 365 दिन पढ़ना है, ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो। यहां सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। बात पहली समझ में आई कैसे ग्रोथ के साथ चुनौती का संबंध होता है? इससे तुम बचना चाहते हो। तुमने आज तक इस पर गौर नहीं किया होगा, आज मैं तुम्हें गौर करवा रहा हूं। इससे बचना चाहते हो, इससे तुम उसी मोड में रहना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ पेपर बता दो, कुछ किताब बता दो, कुछ नोट्स ऐसा दे दो, कुछ तावीज पहनवा दो। नहीं है भैया, नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा, वो नियम है। और नियम कभी नहीं टूटते, किसी के लिए नहीं टूटे। इतने अमीर अमीर लोग हिंदुस्तान में हैं जिनको कोई कमी नहीं थी, पर वो अपने बच्चों को अपने जैसा महान नहीं बना पाए। जितने महान अमिताभ बच्चन जी हैं, अभिषेक बच्चन, अगर मैं कह दूं इस क्लास में कि 10 मूवी अभिषेक बच्चन की बता दो, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप 10 मूवी अमिताभ बच्चन की बता ले जाओगे। तुमको लगता है कि मेरे पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो लालू यादव जी के पास, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, नरेंद्र मोदी जी, इन लोग के पास कहां थी? इन लोग के पास भी नहीं थी ना। ये पहली चुनौती है, 8 घंटे 365 दिन। दूसरी चुनौती, ये तो पहली है, दूसरी संसार छोड़ना पड़ेगा। क्यों? 1 साल के लिए, बस 1 साल, उसके तो संसार तुमको कूद के पकड़ लेगा। हाँ 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 बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कैसे। उसके बाद जैसे अब ये 2 लड़के सिलेक्टेड हो गए, अब पूरा संसार इनके पीछे खड़ा हो गया। संसार क्यों छोड़ना है वो मैं बता दूं क्यों। हर चीज सुनो पहले ध्यान से। जब तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो उस 8 घंटे को सोचना भी तो पड़ेगा। मनन भी तो करना पड़ेगा। तुम 16 घंटे थोड़ी पढ़ोगे, तुम 8 घंटे पढ़ोगे फिर उसको हजम करोगे। तुम अध्ययन तो करते हो, मनन नहीं करते। और जो लड़का मनन करेगा, मनन, वो किसी से बात नहीं कर सकता फालतू की। तुम देखो, अगर तुम किसी मुद्दे पर उलझे हुए हो और उस मुद्दे के अलावा तुमसे कोई बात कर रहा हो, तुम तुरंत नाराज हो जाते हो, नहीं होते? ये दूसरा चैलेंज है। 20 साल तुम जिस संसार के हिस्से थे उसको एक बैग से छोड़ोगे तुम? ये दूसरी चुनौती है। इसीलिए तो तुमको याद नहीं रहता। तुम 10-10, 15-15 घंटे बहुत लोग पढ़ते होगे, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने हजम नहीं किया, तुमने डाइजेस्ट नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया। बालासोर में जो ट्रेनें लड़ी, उनके नाम बताओ। देखो इतनी बड़ी घटना है, घटना बड़ी है ना। और 2-3 दिन पहले की है।
तुमसे मतलब ही नहीं। तुमसे मतलब ही नहीं है। इसलिए जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है और सीरियस हो जाता है, उसको लोग घमंडी कहने लगते हैं कि अरे दिमाग खराब हो गया है, अभी तो आईएएस बने भी नहीं लेकिन दिमाग खराब हो गया, किसी से बात नहीं करते हैं, मैं गया था नीचे मुझसे मिलने ही नहीं आए। अबे हमको चुनाव लड़ना है जो तुमसे मिलने आए? हम नेता हैं, हमारे लड़के का मुंडन था उसमें नहीं आए, हमारी शादी थी उसमें नहीं आए। तुम्हारी शादी में आते तो हमारी भी करवाते तुम? दुख में जाओ किसी के, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको, सुख में तो वैसे ही इतने लोग घेर लेते हैं। किसी का जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत होती है उसको। अभी पार्टी दे दो किस क्लास में खड़ा हो गया कि आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी कानपुर के 5 स्टार, पूरा क्लास जाएगा तुम्हारे साथ भले तुमको ना जानता हो। अभी क्लास में सबसे कह दो कि भैया 500 रुपए दे दो, हम भी अपनी फीस जमा कर ले, मार के भगा देंगे लोगों तुमको यहां से, देख मांगे कहीं के। दूसरी चुनौती, समझना, तुमने पढ़ा ही नहीं इस एंगल से कभी। समझना किसको? ह्यूमैनिटीज को। तुमने पढ़ाई की जिंदगी भर साइंस की, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने 11, 12 ह्यूमैनिटीज से किया है? एक, 11, 12, दो, तीन, चार, पांच, छह लोग, कम से कम 100 की क्लास में 6 लोगों ने सिर्फ ह्यूमैनिटीज से किया है, 94 साइंस। कहां से, कौन से स्कूल से? डीपीएस, अच्छा आजाद नगर, अच्छा अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट थे तुम्हारे? पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, अगर तुम्हें सहारा डेजर्ट में, नाम सुना, कोई शॉप खोलने के लिए कहा जाए तो किस चीज की खोलोगे? पानी की। सही कह रही है, मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह बताओ, पोर्ट, और क्यों? ओशन करंट्स पढ़े? पढ़े थे? याद है सर? नहीं होंगे, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात। वो कैसा संबंध है ज्योग्राफी का इकोनॉमी से? इसने क्या कहा, मैं पानी की दुकान खोलूंगी? कितना संबंध है ज्योग्राफी का इकोनॉमी से? तुम वहां परफ्यूम की दुकान भी खोल सकती हो। पानी कम है, लोग नहाते कम है, 15-15, 20-20 दिन नहीं नहाते। इसलिए इत्र भी इस्लाम में सुन्नत है, इस्लाम वहीं तो पैदा हुआ। देखो ज्योग्राफी का इकोनॉमी से संबंध, और तुम 94 लोग जितने यहां क्लास में बैठे हो,
तुम 10th तक पढ़े ह्यूमैनिटीज, और वो भी तुम्हारी टीचरों ने ये कहा कि आगे इसका कोई काम नहीं है, तुमको पता ही नहीं ज्योग्राफी क्यों पढ़नी, पॉलिटी क्यों पढ़नी, बस तुम पढ़े जा रहे हो, तो चूंकि तुम्हें पता नहीं क्यों पढ़नी, इसलिए तुम रटने पे जोर देते हो कि जल्दी से रट ले, कोई फायदा नहीं। ये रटोगे ना जितना, तो चतुर्लिंगम वाला हाल हो जाएगा। अगर तुम रटे तो वो पूछता ना टीचर, व्हाट इज मशीन, रैंचो खड़ा होता है, रश मशीन विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, कहता मतलब, कहता सर फैन, स्विच बन गया चल रहा, कहता सर चेन, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। टीचर को बड़ा बुरा लगता है कि यार एग्जामिनेशन में यही लिखोगे अप एंड डाउन, समझ में आ गया तो लिखेंगे नहीं, वो तो तुम्हें समझा रहे आसान भाषा में, वो कहता नहीं टीचर इरिटेशन में कि आसान भाषा में बाहर चले जाइए। चतुर्लिंगम क्या करता है, रटी हुई डिफिनेशन बता रहा है, कितना टीचर खुश हो रहा है। जब तुम रटते हो तनाव में रहते हो, दूसरे को हराना चाहते हो, देखो एग्जाम के टाइम क्या करता है, एग्जाम के टाइम दूसरे बच्चों के कमरों में ब्लू किताबें फेंक रहा है नीचे से कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर मैं ज्यादा नंबर पा जाऊंगा। कहता समझना, दुबे लाइब्रेरियन कहता है, कहता मैं आपको समझा देता हूं, कहता दुबे जी समझना नहीं है, जाता भाषण दे रहे, कहता ये डीन हमारे इन्होंने बलात्कार में बलात्कार किए। अब चूंकि तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज की समझ नहीं है, ह्यूमैनिटीज मतलब ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज मतलब पॉलिटी, ह्यूमैनिटीज मतलब हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी हालांकि दोनों स्ट्रीम में आता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है इकोनॉमी। अब ये चार चीज तुम्हें समझ में आती नहीं, न्यूज़पेपर तुम क्या पढ़ोगे, और न्यूज़पेपर आईएएस की जान है, पांचवा चौथा चैलेंज न्यूज़पेपर, तुम पढ़ ही नहीं सकते न्यूज़पेपर, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं, और पूरे न्यूज़पेपर में साइंस का एक पेज हिंदू में आता है थर्सडे को, 94 लोग इस क्लास में बैठे हो, ह्यूमैनिटीज तुम्हारे पास है ही नहीं, ना तुम्हें हिस्ट्री पता, ना तुम्हें पॉलिटी पता, ना तुम्हें ज्योग्राफी पता, ना इकोनॉमी पता, तुम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे, तुम पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। और जब तुम किसी काम को नहीं कर पाते लगातार प्रयास करने के बाद, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत है, तो तुम क्या होते हो, उस चीज से तुम्हें नफरत पैदा हो जाती है। तुम रिकॉर्ड कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूं कोई बात कर तो रहे हो बेटा। हम बताएंगे बैठिए, अभी पूछा, अभी आपको बुलाएंगे हम भाई। बड़ी अच्छी बात है कि न्यूज आया कहां से, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। तुम्हारे प्रतिनिधि बैठे हुए पार्लियामेंट में, तुमने चुनकर भेजा है कि जाओ शासन करो, पर हमको बताते रहना क्या क्या कर रहे हो, तो कैसे बताएंगे, प्रेस के माध्यम से। इसलिए डेमोक्रेसी में अगर प्रेस कमजोर है तो डेमोक्रेसी कभी ताकतवर हो ही नहीं सकती। मोनार्की में वो राजा तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं था, वो भगवान का प्रतिनिधि था, जिल्ले इलाही, तो वो तुमको क्यों बताएगा, कोई काम करेगा तो वो तुमको क्यों बताएगा, तुम होते कौन हो उससे पूछने वाले। इसलिए कभी कोई राजा किसी जनता को जवाब नहीं देता था, कभी नहीं,
लेकिन आज तुम्हारा तंत्र है, हमारा, जनता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये चार चैलेंज तुम्हारे सामने है, ये अब गौर करना जो मैं कहने जा रहा हूं। इन सब के अलावा, ये तो है ही है, इन सब के अलावा तुम्हारे अपने पर्सनल रायते हैं, पर्सनल, कि बबलुआ बदतमीज बहुत है, जानबूझ के मेरी साइकिल पे खरोच मार देता है, और पूनम को संजय से बात नहीं करना चाहिए था, गलत बात है, ये जो है बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, वो समझ नहीं रही बेचारी, इनोसेंट है, तुम मना करो उसके साथ चाय पीने ना जाया करे, तुम सोशल रिफॉर्मर हो। इतना तो फिक्स चैलेंज है, ये तो फिक्स है, ये तो कोई हटा ही नहीं सकता। इसके अलावा तुमने कुछ चुनौतियां खरीद रखी हैं खुद से, कि बरेली अली बुआ मकान में हिस्सा मांग रही हैं, मांगने दो। जिस लाल किला को अकबर ने बनवाया था वो आज गवर्नमेंट के कब्जे में है, जिस लाल किला को शाहजहां ने बनाया था वो आज भारत सरकार के कब्जे में है। यहां किसी का कुछ भी नहीं है, जब तक जिंदा हो दूसरों का कब्जा करके रखो। अपना क्यों बना रहे हो, क्यों बुद्धि लगा रहे हो उसमें, भैया सीमेंट ज्यादा डालना, भैया मिट्टी बालू कम रखना, भैया ईंटा ऐसे करो। हमारे एक भाई है मकान बनवा रहे हैं, दिन भर बेचारे खड़े रहते हैं, दिन भर वही खड़े रहते हैं, ठेकेदार नहीं, वो कहते हैं कि मजदूर बहुत बदतमीज होते हैं, कहते हैं इनको देखो ना तो ठीक से काम नहीं करते, ज्यादा काम नहीं करते, बीच में भाग जाते हैं। हमने कहा इससे अच्छा मकान खरीद लेते, बना बनाया, उससे भी अच्छा था कब्जा कर लेते। अरे हम अधर्म थोड़ी करेंगे, तुम कर नहीं पाओगे, जो अधर्म करने की स्थिति में है और ना करे वो संत, जो करने की स्थिति में नहीं हो कह रहा मैं नहीं करूंगा वो मूर्ख। तो कोई रिक्शा वाला तुमसे कहा कि भैया हम कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम जा नहीं पाओगे, अब सुनो जो लास्ट बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं उसके साथ। इन सब चुनौतियों के अलावा, पहली बात तो बाकी सारी चुनौती छोड़ दो, सब कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे, कयामत तक तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, कयामत तक, मतलब अगले 100 साल तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं, दोनों सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो रास्ते हैं, दो। पहला रास्ता, पहला रास्ता कि तुम मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा, दोनों उतरता है, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा, क्योंकि तो नशे का काम है उतरना। और YouTube पर तो लाख वीडियो पड़ी है टॉपरों की, तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। उसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट 40, ज्यादा नहीं 40, वो पीता है उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है, फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। एक तो ये रास्ता है जो आज बहुसंख्यक युवाओं ने अपना रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान। ठीक है कभी कभी सुन लिया, दिन में एक बार सुन लिया किसी को, एक बार वो भी अच्छा है, ऐसा बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं, एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं, दिन में एक बार किसी को सुन लिया, किसी को, तुम्हारी चॉइस।
दूसरी चीज है चुनौतियों से निपटने के लिए पावर। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वह है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है तो है, शक्ति छीण हो सकती है। शक्ति का भी नियम है, वो छीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, छीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने आए तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर, डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो अगर, उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी, तुरंत। शक्ति अपने आप में एक मजा है, और सिर्फ मजा नहीं है, जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है उत्साह। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह, मोटिवेशन। से इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह। मन है, इसका काम है, इसका पेशा है। जैसे किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसा इसका भी फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। ये इसका सबसे प्यारा फंक्शन है, बेवकूफ बनाना। सुबह उठेगा, तुमसे कहेगा आज 14 घंटा पढ़ना है। कितने खुश हो जाओगे तुम अंदर से, हाँ हाँ, पर पढ़ने नहीं देगा। कह दिया कि आज 14, पर पढ़ने नहीं देगा, उलझाए रखेगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, अभी हवा चल रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, ऐसे करते करते पूरा दिन बीत जाएगा। और शाम को पता है क्या करेगा? सोने से पहले तुमको जलील करेगा। इसलिए जब तुम सुबह उठो, टारगेट बनाओ 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। अपने मन पर नजर रखने की प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान।
बरेली बरेली हुआ मकान में हिस्सा मांग रही, मकान जग लेंगे। विचार ही तो है। तुम देखो 90% लोग अपने विचार से परेशान हो। विचार ये तुमको बहुत देगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा कर लेना है, पूरा नोट्स बना लेना है, ऐसा है वो, सब कुछ कराएगा, करने नहीं देगा। जहां तुम इससे कहोगे फंक्शन, क्या कह रहे हैं, कल, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं होता है, मंगल से। और मंगल को मुसलमान वाले लड़के से कहेगा कि आज बढ़िया दिन नहीं है, शुक्रवार को। कहेगा खैनी खाने से कंसेंट्रेशन बढ़ता है, तो रिक्शे वाले को तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके वो देखो डिफेंस, बुद्धिवर्धक चूर्ण, बीबीसी, अब तुम यहां 2 घंटे बैठे और कमर में तुम्हारे दर्द होने लगा, शरीर की ताकत उत्साह देती है। ताकत का काम है उत्साह देना। योग, सूर्य नमस्कार डेली, आधा घंटा डेली डेली, तुम नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं योग हिंदुओं का है, तो दौड़ो, ये तो हिंदुओं का नहीं है, कुछ हिंदू मुसलमान का नहीं है। जो चीज तुम्हें फायदा करे वो सब तुम्हारा है, जो भी चीज तुमको फायदा कर रही है वो सब तुम्हारा है, ना वो हिंदू का, ना वो मुसलमान का, ना वो ईसाई का, ना वो सिख का, वो सब तुम्हारा है। अरे 30 दिन रोजा रहो, अगर 14 घंटा भूखे रहो तो पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बस अरते रात में 5 किलो मत खाओ, जैसे आमतौर पर मुसलमान करते हैं कि रात भर खाते हैं घूम घूम के, रात भर, फिर सुबह 4 बजे खाएंगे, फिर 6 से लेकर 2 बजे तक सो रहे हैं। ये नहीं है, साधना का टाइम है जितना, यही तो सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का एक वीडियो खोलो कि खाना रात भूखे पेट सोने जाओ, सदगुरु का वीडियो है तो खोलना आज, कि भूखे पेट सोना, फिर सुनो उन्होंने 10 मिनट क्या कहा है। सुबह उठ के 14 अंडा, 3 ग्लास दूध, 20 ब्रेड खा के क्लास में आओगे तो इतना बड़ा मुंह तो जवाही में खुलेगा ही, और सारा खून यहां पहुंच गया, यहां है ही नहीं। कभी क्लास में मैं देखता नहीं कि कोई लड़का आके बैठा ऐसे ऐसे बार बार आंख जबरदस्ती खोल रहा, मैं कहता सो जा कोई बात नहीं, कितना अंडा खाए, नहीं नहीं सर 7 खाए थे बस, 7 अंडा खाए सुबह सुबह। ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही, फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा, तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से, इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति,
मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। तुम्हारे सबके घरों में शादियां हुई होंगी, भाई की बहन की। तुम देखो, जब तक शादी का फंक्शन चलता है तब तक ना किसी को थकान होती है, ना किसी को नींद आती है। 24 घंटे का फंक्शन है शादी का, जिस दिन शादी होती है। और ज्यादा मान लो, सुबह से आदमी बिजी हो जाता है, फिर दूसरे दिन जब तक लड़की विदा नहीं हो जाती 11-12 बजे, तब तक है वो, मतलब 28-30 घंटे का फंक्शन है, और 30 घंटे कोई नींद नहीं, तो भाग रहा है आदमी, रायता उठा ला, कूद के गए रायता उठा ला। उसी में सजना भी है, थ्रेडिंग भी कराना है, बाल भी डाई कराना है, फोटो भी लेना है, बराती में जो लड़की आई है उसका एड्रेस भी पूछना है, तमाम सारे काम है, बहुत सारे चैलेंज, एक दो चैलेंज नहीं है, बहुत सारे चैलेंज। और वो सब कर रहा है, लेकिन जैसे ही बारात विदा हुई, पता लगा जहां भट्टी लगी थी सब्जी बन रहा था वहीं पड़ा है सो रहे हैं। तुम उत्साह का कमाल देखो। तो पहला काम, आज पढ़ाई वढ़ाई की बात अलग है, पहला काम तुम ये देखो कि ये देखो, ग्रोथ के साथ हमेशा चैलेंज है, हमेशा। तुम इसको छोड़ देते हो, तुम सिर्फ ग्रोथ की चिंता करते हो, तुम चैलेंज की चिंता नहीं करते। तुमको आईएएस बनना है बस, कोई बना दे, कोई कानपुर में बना दे, लखनऊ में बना दे, इलाहाबाद में बना दे, नहीं तो दिल्ली चले जाएंगे। कितने लोग कानपुर में, जिनको मैं जानता हूं, जो दिल्ली पढ़ने गए थे, बहुत लोग कानपुर में जो दिल्ली पढ़ने गए थे हमसे, वहां पढ़े, दो दो कोचिंगें की दिल्ली में, एक किया फिर दूसरा भी किया, कुछ नहीं कर पाए, वापस बैग एंड बैगेज, एमबीए किया। क्योंकि 98% लोग इस पे ध्यान देते हैं, इस पे देते ही नहीं। पैरेलल एक कदम ये पीछे नहीं है, एक कदम जहां तुमने उद्देश्य बनाया विकास, वही तुरंत चुनौती आगे खड़ी हो जाएगी बगल में। तुरंत, एक इंच पीछे नहीं, एक इंच आगे नहीं, पैरेलल बराबर। इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनालिटी पे। सोचो ये दोनों लड़के, फादर की डेथ हो गई, सामान्य परिवार, एक तो खिलाड़ी है, मैं क्यों दोनों लोगों को बुलवाया? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बड़ा इंस्पिरेशन है। और खिलाड़ी में तो स्पोर्ट्समैनशिप वैसे ही होती है, और दूसरा सामान्य ग्रेजुएट। देखो दोनों मैंने बुलाया, एक आईआईटी का बंदा, एक सामान्य ग्रेजुएट। जैसे तुम सामान्य ग्रेजुएट हो, ऐसे दूसरा बंदा सामान्य ग्रेजुएट। ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी है। वही अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है, और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे।
और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति एक दिन में नहीं होती, होती ही नहीं। स्टेरॉइड खा लोगे, दो महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। पांच दिन, हमारी सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो मैं 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूं, मजा आता है। तो हमें देख के, हमारी एक बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी, मैंने पूछा कि कहाँ है, पता किया, बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई, तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो, भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट कानपुर में और पुणे में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे टीचर दिल्ली से आते हैं, सारे, पिछले 4 साल से। एकमात्र इंडिया का रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल क्षेत्रीय, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। उसका कोई भी टीचर लोकल नहीं, एक आध अपवाद हो वो अलग बात है, उसका कोई भी टीचर। इकरा भी चाहती तो पहले साल 10-12 रिजल्ट हम ही बता देते, छाप देती, उसको क्या दिक्कत थी। 4 साल इंतजार किया तब जाके रिजल्ट मिला। चार साल यहां कोचिंग खुलने से पहले रिजल्ट बना देती है, और हर कोचिंग कह रहा है 400 सिलेक्शन मेरे यहां से, टोटल सिलेक्शन ही 1000 है। तो जब 400 सबके यहां से है, कोई बात नहीं, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया, ऐसा नहीं है, कहीं से टेस्ट सीरीज कर ली थी, कहीं से इंटरव्यू कर लिया था, वो भी किया था, ऐसा नहीं है, तो सबका कंट्रीब्यूशन तो है ही है। लेकिन 4 साल में अपना रिजल्ट, काम किया, मेहनत किया, भी हमारे इरशाद सर हैं, ये मुंबई से आते हैं पढ़ाने, अभी इन्होंने अपना ऑप्शनल का बैच पॉलिटिकल साइंस का यहां खत्म किया। और ये सारे लोग, सारे मतलब आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, क्या जरूरत है उनको मुंबई से, दिल्ली से यहां आने की। दिल्ली चले हैं, वहीं पढ़ाएं, पहला 4 काम कर लो बस, 4, मेरी इतनी बात मान लो, 4 काम कर लो, 4 बस, ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। गर्लफ्रेंड जा रही, जाने, हम दिलाएंगे तुम, आईएएस बन जाओ, तुम क्यों परेशान हो, बॉयफ्रेंड जा रहा है, जाने, जो जा रहा है उसको जाने दो,
किसी को ना तो समझाओ ना किसी को पकड़ो। जब तक तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं है तब तक किसी से मत उलझो, मतलब ही नहीं है, उलझो ही मत। और लड़कियों को तो खासकर मैं कह रहा हूं, तुम इस भारत में तभी तक सुरक्षित हो जब तक तुम्हारे पास शक्ति है। देखो दिल्ली में घटना घटी नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी वजह क्या है, जनसंख्या, 1,50,00,000,000 की जनसंख्या। तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें अगर स्वतंत्रता जाननी है क्या होती है तो तुम्हें शक्ति पाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए तो जीवन, और मस्ती से तैयारी करो, फालतू में शक्ति पावर किसी भी कीमत पर। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम चले जाओ, वहीं 4 घंटा रहो, शरीर की तो शक्ति बढ़ रही है, ध्यान करो, रामायण पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ तो पॉजिटिव जा रहा है दिमाग में। शक्ति सबको हटा दो अपने जीवन से, शक्ति किसी भी कीमत पर। सुनो यार, किसी की बात को सुनो, कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा सुनो, मजा लो उसका भी, तुम हर आदमी को जवाब देने जा रहे हो, तुमको तो हर आदमी को जवाब देना है फालतू का। तुमको कोई गाली दे रहा है हमेशा वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमको गुस्सा दिलाना चाहता है, क्योंकि गुस्से में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुमको कोई प्रेम प्रपोज कर रहा है हमेशा प्रेम नहीं है, तुमको उलझाना चाहता है। प्रेम है तो 2-4 लाख रुपया दे दो, बाद में मिलना, जब मेरा एग्जाम एग्जाम हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगा तुमको। कोई भी तुमको प्रपोज करे कह दो भैया 5 लाख दे दो और परीक्षा दे ले, फिर इस पे डिस्कस करेंगे, अभी मत छेड़ो। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। समय इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं, ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो, मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा उठा लो, पर चेस खेलो। चाल चलोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया, चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन चेस के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और चेस को टॉप मॉडल में डाल दो कंप्यूटर में, और तुम कंप्यूटर का दिमाग जानते ही हो, और अगर तुम साल भर बाद कंप्यूटर को हराने लगे दिन भर में 100 गेम, इसका तुम नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाओगे। लेकिन रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। यह बहुत बड़ी कला है दुनिया में, यह कला अखंडानंद त्रिपाठी को पता है, मिर्जापुर वाले। वो कुछ कलाएं जानता है,
उसमें से एक कला यह है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, उसकी एमिनेशन फैक्ट्री जल जाती है। सीएम को फोन करके कहता कि आप कह दो सरकार ने किया है, आपकी पार्टी का नाम बढ़ेगा। देखो मुन्ना नाराज है, मुन्ना दुखी है, वो दुखी नहीं है, वो अपने समधी को फोन कर रहा है, बाबूजी आप फायदा उठा लो, मेरा तो नुकसान तुम्हारा फायदा, और तुम्हारे फायदे में मैं अपना फायदा निकाल लूंगा, अफीम का ठेका ले लूंगा। देखो खेल, रेंजो देखो स्ट्रेस फ्री आदमी, स्ट्रेस फ्री, लॉन में नहा रहा, लॉन में वो आदमी नहा रहा है। आईआईटी कैंपस के कोई लॉन में नहाएगा? डीन को देखो, डीन को खड़ा खड़ा सुन रहा है, बीच में एक डाक दिया कि सब कहता ये पेन बड़ी महंगी है, स्पेस के लिए इन्वेंट की गई थी, कहता सर पेंसिल लेके क्यों नहीं गए? डीन का दिमाग खराब हो गया, टॉप करता टॉप, डीन भी परेशान, चतुर्लिंगम भी परेशान, राजू और फरहान सबसे पीछे बैठे। डीन कहता इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कहता मिलेगी सर, कैसी बातें कर रहे हो, सटिया गए हो? डीन कहता अगर इनको नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुंह से छिला दूंगा, कहता ठीक है सर, दोनों को मिल जाती। सोचो उसका झगड़ा स्कूल में किससे चल रहा है, डीन से। डीन कहता है कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि ये पास ही नहीं होंगे। टीचर किससे लड़ रहा है, अपने स्टूडेंट से। और उस लड़कों की मदद कौन कर रहा है, डीन की बिटिया। वो लाके चाबी दे रही कि पेपर निकाल ले। तुम खेलना तो सीखो, तुम नाहक में टेंशन लियो, समय समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, गलत मार दिया, अतीक अहमद को नहीं मारना चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं नहीं ऐसे ही गलत हो रहा, कैटरीना कैफ को नहीं शादी करना चाहिए उससे। कैटरीना कैफ किससे शादी की है? विक्की कौशल से। हाँ विक्की कौशल बताओ, उसका मन वो किसी शादी करे, कौवे से करे, बिल्ली से करे, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम कहे मरे यार, अपने आप को तुम बहुत सिकंदर समझ रहे हो, लेडी है, औरत की मर्जी, इसलिए तो औरतों को कभी आजादी नहीं दी गई, उनकी मर्जी, वो किसी को चुने, यही तो बात है, उनकी मर्जी। लक्ष्मी जी निकली समंदर से, देवता और असुर दोनों कह रहे शादी कर लो, जाके विष्णु जी को चुन ली, उनकी मर्जी। और जितने लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं उनके अपने तरीके हैं टॉर्चर करने के। तुमको लौकी नहीं पसंद है, लौकी ही बनाएंगी, लौकी ही बनाएंगी, लौकी ही मिल रही थी, बाकी कह रहे थे आलू में जहर आ रहा है, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। चाय का होके बना दो, चाय बना, दूध फटा, दूध दूध फाड़ देंगी, नमक डाल देंगी उसमें थोड़ा सा, चाय बना के हल्का सा नमक डाल देंगी, दूध ही फट गया, बिगाड़ लो। हर आदमी को बदला लेना आता, छोटा सा बच्चा है उसको तुम टॉर्चर करते हो, वो तुम्हारा आईफोन उठा के 14 मंजिल से गिरा दिया ऐसे, फिर तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है कि अब मारो। समय का मिसयूज मत करो, मत करो मत। मोबाइल उठा लो कोई बात नहीं, पर चेस खेलो, मोबाइल उठा लो, डॉक्यूमेंट्री सुनो, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मोबाइल में नहीं है? अभी डालो ना रशियन रेवोल्यूशन, तुरंत वीडियो आ जाएगा। तो तुमको हर चीज को पॉजिटिव बना लेना है, समय, संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद।
है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं हो गए। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। लाइट चली गई, जाने दो। कोई बचा ही नहीं। भगवान कृष्ण का एक बड़ा सा फोटो है मेरे पास, कई लोगों का है। जब मैं उनका जीवन देखता हूं, बताओ, जेल से जीवन शुरू हुआ, हमले होते रहे बचपन से, जीवन कहां से शुरू हुआ? जेल से। माँ बाप जेल में बंद है, मामा पीछे पड़ा हुआ है, फ्री निकला कि नहीं निकला, फ्री निकला कि नहीं निकला, तुमको आईएएस नहीं बनने देंगे, मामा को ही डाल दिया, बुआ का लड़का गाली दे रहा है, कोई कोई दुश्मन परेशान नहीं कर रहा है, अपने ही है सब। तो तू अपने जीवन में देखो, कोई तुमको बाहरी परेशान नहीं कर रहा होगा, सब अपने, सब। द्रौपदी की साड़ी कौन उठा रहा? अपने भाई। द्रौपदी की साड़ी कोई बाहरी आदमी उतार रहा है? कोई मुसलमान उतार रहा है? द्रौपदी की जो साड़ी है, तब तो मुसलमान थे ही नहीं, तो अच्छा है नहीं थे, तो कोई ना कोई एंगल जोड़ ही देते मुसलमान। कहने का मतलब यह है कि सब अपने हैं, जब भी जिसको परेशान किया अपनों ने ही किया, तो तुम भी अपने ही कर रहे हैं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो, क्योंकि अभी वो क्या कह रहा था उसका महान रिया मनोज, उसने इन लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उसने क्या कहा, मौज बना लो, जिसमें तुम्हें मजा आएगा, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो जाओगे उसको और करोगे। और चौथा सब इंटरेस्ट, कुछ भी करो अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। वीडियो मत बनाने लगो तुरंत, आजकल तो एक्सीडेंट हो जा रहा, लोग वीडियो बनाने लग रहे हैं। सिर्फ सड़क पे लोग नहीं भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मांग रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारी टीम है, उसने हमसे कहा कि आप एक बार अपील कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे मैंने कहा कैमरा वैमरा फोड़ के फेंक देंगे तुम्हारा बाहर, जितना बोलते हैं बस उतना, मुझे क्या बोलना है ये तुम नहीं बताओगे। हम जाकर हाथ जोड़े कि भैया हमारा वीडियो लाइक करो, भाड़ में जाओ तुम। पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए? अंबेडकर कितनी बड़ी बात कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा ले गए और जाए भीख मांगे? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई कह रहा है एक डांसिंग वीडियो डाल दीजिए, बड़ी लाइक आ जाएगी, इतना मारेंगे ना जूते से। हाँ कभी गोली वोली चलाते हुए शूट हो गई तो अलग बात है। क्या करना है यह हम डिसाइड करेंगे, ना किसी का लाइक चाहिए और ना किसी का सब्सक्राइब।
तो एक ही टाइम खाना खाते हैं, पहले तो दो खाते थे, अब एक जब से सदगुरु को सुन लिए, और पीना भी सीमित है, पहले 2 लीटर दूध पीते थे, अब 1 लीटर पीते हैं। हाँ ये लोग, वाह ये लोग। और A2 दूध राजस्थान से आता है 70 रुपए लीटर, इतना काम कर लो बस। ये 4 अपने इंटरेस्ट को आगे रखो, कुछ भी करो अपने, तुम्हारा रूम पार्टनर बीमार है उसको हॉस्पिटल पर, वहां इंटरेस्ट की बात नहीं, हर जगह नहीं लगाना है। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि यार हमारे साथ लखनऊ चले चलो, जाओ उनके साथ। और सबसे ज्यादा ख्याल मां बाप का रखो, सबसे ज्यादा। 1 घंटा अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 मिनट तुम उनसे डेली बात करो। साथ में है तो फिर उनके साथ बैठो जरूर। कभी कभी मां बाप नहीं समझ पाते, तुमसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे तुमको लगेगा कि यार क्या कह रहे हैं, कि जल्दी सिलेक्शन ले लो, अभी कर लो, अभी कर लो, तो वो बुरे मानने वाली बात नहीं, वो नहीं समझ पा रहे। इस तैयारी में 2 साल लगता है, लगता ही लगता है, अगर कोई कायदे से करे, और ना कायदे से करेगा तो 20 साल लगेगा। 40 अटेम्प्ट है ना UPPCS का। इलाहाबाद में देखो पाषाण काल से हैं लोग, और तुम्हें कई लोग मिलेंगे, भैया हम मिर्जापुर वाले उसमें रहते थे। 2 साल लगेगा, 2 साल अगर कायदे से तैयारी करो, 1 साल तैयारी, 2 साल प्रैक्टिस, लगना ही लगना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ही नहीं। इकरा IAS मेंस की टेस्ट सीरीज करने जा रही है, और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज थी पिछली बार, 37 टेस्ट लिए थे हमने शायद, 37। अभी वो फिर से करने जा रही मेंस का टेस्ट सीरीज, जितने लोग पढ़ चुके हैं वो उस टेस्ट सीरीज को जरूर करें। आप कहीं भी रहते हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, अहमदाबाद में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतनी बेहतरीन डिजाइन की गई है इस बार, बहुत अच्छा। 1 साल तैयारी कर लो, फिर 1 साल प्रैक्टिस। वो जो 1 साल प्रैक्टिस है ना, वो हाजमा, कुछ नहीं करना है तुम्हें, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। प्रीलिम्स 30 क्वेश्चन पर डे, 1 महीने में 900 क्वेश्चन, 10 महीने में 9000, 1:4 का फॉर्मूला, तैमूर लेम ने भारत पर हमला किया 1398 1526 1294 1739 उसने किया 1398 में। ये ईयर किस लिए फेमस है हिस्ट्री में, ये ईयर किस लिए फेमस है हिस्ट्री में, ये ईयर के यही पे, ये तीनों भी यही सॉल्व कर लो, 1:4 मतलब 1 क्वेश्चन करोगी उसमें 4 फैक्ट और मिलेंगे, तो 9000 × 4 36000 तथ्य तुम्हारे पास रहेंगे 1 साल में, उसमें से कितने करने हैं 50 मिनिमम, 60 मैक्सिमम। इस बार का जो पेपर था 40, जो 23 वाला पेपर है उसमें जो 40 सही करके आया वो एग्जाम देगा मेंस का। मेंस 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 में क्या करना है, 1 क्वेश्चन पर डे ऑप्शनल, 1 क्वेश्चन पर डे GS, कितना हुआ 2, 1 महीने में कितना क्वेश्चन हुआ 60, 1 महीने में 60 क्वेश्चन, 60
10 महीने में कितना हुआ? 600। टोटल तुमको पहुंचाना है 1000 क्वेश्चन, बस इतना कर लो। 1000 क्वेश्चन मेंस का लिख लो, प्री और उसका ऑप्शनल और जीएस का मिला के, और 9000 क्वेश्चन तुम प्रीलिम्स के सॉल्व कर लो 1:4 के फॉर्मूले पर, पूरी फाइल तैयार कर लो, तब तुम परीक्षा देने जाओ। ठीक? तो सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? चैलेंजेस पे। क्या टारगेट रहेगा तुम्हारा? पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। एक साल तैयारी करके फिर क्या करना है? प्रैक्टिस। कहीं से शुरू करो, घबराओ मत, इंपेशेंट मत हो, भगवान राम से सीखो। यहां देखो विधायक विधायक गाड़ी पे चलते हैं, टोल आता है तुरंत गाड़ी के पीछे लिखा रखा प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक। और भगवान राम चल रहे थे, कहीं नहीं लिखा था कि भगवान आ रहे हैं। समंदर सामने पड़ रहा है, हाथ जोड़ लिए, ये सीखो, ये सीखना है, प्रभु राम का अनुसरण करना है। हाथ जोड़ लिया, हाथ, एक घंटा नहीं 3 दिन। इसी को तो धैर्य कहते हैं। और धैर्य है क्या? तुमको अभी कोई एक गाली दे दे तो तुम तुरंत तो गन निकाल लोगे। 100 गाली दे रहा शिशुपाल, मुस्कुरा रहे, धैर्य। भगवत्ता का सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य। धैर्य मतलब शक्ति। धैर्य मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक प्लान बनाओ, डायरी निकालो, एक डायरी निकालो, उस पर लिखो आईएएस गोल। ये अपना नाम के साथ आईएएस मत लिखना, संदीप आईएएस, गुड्डू आईएएस, ये सब फालतू वाला नहीं। लिखो उद्देश्य, उसके बगल में इक्वल करके आईएएस, और फिर प्रतिदिन का हिसाब लिखना शुरू करो, प्रतिदिन का, एवरी डे। और हर हफ्ते एनालाइज करो कि तुमने अपने गोल को कितना समय दिया, उसके लिए क्या किया, कितना विकास हुआ तुम्हारा, कितनी चुनौतियों का तुमने सामना किया। और फिर देखो 6 महीने में क्या होता है। 6 महीने में तो सब कुछ बदल जाएगा। सबकी मत सुनो, सबकी मत सुनो। जब भी आईएएस की तैयारी में तुम्हें कोई दिक्कत हो, जो इसके टीचर है, यहां इतने सारे टीचर आते रहते हैं, एक से एक टीचर, दिल्ली में एक से एक टीचर, टीचरों की कमी है। तुम सबकी क्यों सुन रहे हो यार? कोई टीचर कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट हारे, क्योंकि उसकी इज्जत भी उसके अचीवमेंट में टिकी हुई है। अर्जुन नहीं होता ना तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं जानता। अगर आज द्रोणाचार्य जिंदा है तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। इसलिए हर टीचर की तमन्ना है कि मेरा स्टूडेंट एक्सेल करे। अगर तेंदुलकर नहीं होते तो रमाकांत आचरेकर को कोई नहीं जानता। रमाकांत आचरेकर उनके गुरु थे। हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट जीते, क्योंकि उसके जीतने से उसका नाम है। सबसे राय मत लो, और बताओ तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन तो तुम लोग वैसे ही इतना पूछ चुके हो, बताओ। हाँ
मैंने दिया नहीं, मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दिया था तो 70-75 क्वेश्चन इजली लग गए थे, लेकिन जो यूपीएससी का मैंने दिया नहीं, मैंने पेपर देखा मुझसे 10 क्वेश्चन मतलब इजली लग रहे थे, उससे ज़्यादा मेरे को समझी में नहीं आ रही थी ये आए कहाँ से हैं। नहीं देखो, पेपर तो वहीं से आए हैं जहां से पढ़ा जा रहा है। यस सर, बाहर से तो आए नहीं, क्योंकि इस बार भी 10,000 लड़के मेंस लिखेंगे। यस सर, लिखेंगे ना। यस सर, अगर कोई लड़का मेंस ना लिखे तब तो समझ लो पेपर वहां से आया ही नहीं जहां से पढ़ाया गया। यस सर, लेकिन युद्ध कर लड़ना, भीष्म पितामह को लड़का था कि जैसे पहले लोग हमसे लड़े थे ऐसे अर्जुन भी लड़ेगा। उनको यह नहीं पता था कि इसके पास एक कोच है। yes, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं थे, तो उनको लगा जैसे पहले लोग लड़े हैं सबको मार डालूंगा पटक के। कृष्ण ने कह दिया कि शिखंडी को खड़ा कर। अब जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज पे आधारित है। अभी मैंने तुमसे कहा हर साल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट सब न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से, बना रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना रहे हैं न्यूज़पेपर से। और उनको पता ये चल गया है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि तुमने ह्यूमैनिटीज कभी पढ़ी ही नहीं। तो एक तो डायनेमिज्म कर दिया पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ऐसे ऑप्शन बना दिए कि ऑप्शन पढ़ने में 40 मिनट चला गया और 60 क्वेश्चन करने थे, 15 क्वेश्चन जिसको लगातार नहीं समझ में आया वो तो कोमा में चला गया कि अरे तो तुम्हारे पढ़ने में कमी नहीं होगी, तुम आपकी जाओ और उस क्वेश्चन पेपर के अप्रोच को पढ़ो और उसका चार्ट बनाओ, फ्रेम कैसे किया, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो भीष्म पितामह से तुम्हें भी लड़ना है, लेकिन ट्रेडिशनली मत लड़ो, तुम शिखंडी को ले आओ। सर, तैयारी के दौरान सर कोच का कितना महत्व होता है सर? अरे जो महाभारत में कृष्ण का महत्व है, डायरेक्शन तो वही देगा ना तुम्हें, सारा खेल डायरेक्शन का है, वही बताएगा दोनों चार क्या बोलना है। तो युधिष्ठिर कहेंगे हम झूठ नहीं बोलते, बोलना पड़ेगा सब। और वो भी कृष्ण को मना करना है, और झूठ बुलवा किससे रहे, कृष्ण से, युधिष्ठिर से, धर्मराज। पहले तो लोग यही सरप्राइज हो गए कि नहीं बोलेंगे भैया, अरे कैसे नहीं बोलेंगे, बुलाओ जरा जाओ कह दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हम नहीं कहें, बोले नहीं कहना पड़ेगा। बोले कहेंगे भैया, कहे नहीं कहेंगे, पर हम बाद में बोल देंगे हाथी मारा है। बोले बाद में तुम कुछ भी बोलो, पर बस तुम्हें हां कहना है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया, बोले हां, पर बोले आदमी नहीं हाथी, जब तक हाथी का भाई ने संग बजा दिया तब तक द्रोणाचार्य डिप्रेशन में जा चुके थे। इतना ही तो कोच का काम है, कोच पढ़ाता थोड़ी है। हमसे बहुत लोग कहते तुम पढ़ाते नहीं हो, क्यों पढ़ाएं, आईटी वाईटी के पढ़े हुए लड़के हैं, इनको हम पढ़ाएं, सब पढ़े हुए हैं, पढ़ो जाओ। पढ़े तो 20 साल पढ़ के वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस ही नहीं पता। 20-20 साल लोग पढ़े और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस नहीं पता, और पढ़े तो पढ़े इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। तो सिखा रहे हैं। और तुम लोग से कोई सवाल नहीं है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून बताओ सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ कहो मत, पूछ लो सर। यही क्वेश्चन है मेरा कि हमने पिछले साल रिसेंटली 12th पास किया था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में था, तो मैंने उसको सीखने के लिए अपना टाइम दिया, 3-4 महीने दिए, लेकिन
बात वही हो रही थी कि बार बार मैं गिव अप कर जा रहा था, व्हाई वी आर गिव अप इजीली सर, ये समझ नहीं आ रहा। देखो हम बताएं, बट दो चीजें हैं। जैसे तुम मामा के यहां जाने के लिए कितने उत्साहित रहते थे, क्यों? क्योंकि जब लौटोगे तो पैसा मिलेगा, है? हम सब मामा के यहां जाने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा इज्जत। मामा घर में जो कह दो कि आज जो है करेला और मछली एक साथ मिला के बनती तो अच्छा होता, वही बनेगी। जो जिंदगी में कभी नहीं बना वो बनेगी, इतनी इज्जत होती मामा घर पे। इसलिए मामा का घर सबके लिए बहुत प्यारा है। तो जीवन में जब तुम कोई काम करते हो और उससे रिटर्न नहीं दिखाई पड़ता तो आदमी गिव अप करता है। ये साइकोलॉजी है। जब तुम किसी फील्ड में एंटर किए और तुमको हर आदमी को तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आईएएस की तैयारी शुरू की है, पूरी हिस्ट्री याद हो गई, पॉलिटी याद हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता। गिव अप का सिद्धांत ही यही है। मन कहता कुछ दिखाई थोड़ी पड़ रहा है। जैसे तुम मंदिर जाते हो तो कम से कम भगवान दिखाई तो पड़ रहे हैं ध्यान में, सब ध्यान नहीं करते क्योंकि ध्यान में पता ही नहीं कि लगाना कहां है, वो खुद ही लग रहा है। कभी अतीक अहमद पे चला जा रहा है, कभी सलमान खान पे, कभी कैटरीना कैफ पे, जिस पे लगाना है बैंकिंग उस पर लग ही नहीं रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही कब्जे में नहीं है। इसीलिए तो हम व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं कि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है तब भी लड़ रहा है आदमी, ठीक। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खेल होता है ये एक दिन का खेल नहीं है और उसमें डूबने के चांस भी ज्यादा है। तुम खेल ही ऐसा खेल रहे हो और तुम्हारे पास अभी कहां इतनी पूंजी है, तुम तो लगाओगे ही ना किसी का पैसा। हम बता दें तुमको तीन चार आदमी उनका लगवा दो, बड़ा पैसा कमा कर रखे हैं सब। और बताओ बताओ बताओ, पहले तुम पूछ लो, कोई बात नहीं। सर ये कह रहे हैं कि जैसे अभी एनालाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो सर? जैसे अभी दो तीन स्टॉक जो हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं सर, जैसे अभी दो तीन स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि मतलब क्या चीज़ करना चाहिए, तो हम वो मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करके उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है कि क्या जो हम सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो उसके चक्कर में और समय बर्बाद होता है। तो वो चीज़ बहुत, जिस फील्ड में जाना चाहते हो सर वो टाइम जाता है। तो हर्षद मेहता मूवी देखे हो? हाँ सर। वो किसको इमिटेट करता है? जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उस पर नजर रखो, बाकी सब पे नहीं। हां तो किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। अरे जाओ ऑफिस में पोछा लगाना शुरू कर दो, जाओ कह दो गुरुजी आपको देखते हैं तो भगवान विष्णु की याद आती है, पोछा लगाना शुरू कर दो। तो जब पोछा लगाओगे तो वो बात करेगा किसी से, तो बात करेगा तो सुनोगे ना, पोछा थोड़ी लगाना है। हाँ सेवा करोगे तभी कुछ रिटर्न में मिलेगा। बताओ दोनों सवाल पूछो। अरे एकदम पूछो एकदम। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ट्रिपल अलायंस को छोड़ के ट्रिपल एंटेंट की तरफ चला गया बीच में, तो फिर सर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ फिर वो कैसे हो गया? देखो बेटा यहां पर मायावती जी जो है ना, कसम खाई, कसम मायावती जी कसम खाई कि समाजवादी से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बुआ बन गई। ये राजा लोग हैं बेटा, ये राजा लोग हैं, राजा राजा का ध्यान किस पे? तभी तो मैंने तुमको ये चार बातें बताई, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। ये राजा वो है जिसके सामने सिर्फ एक चीज है, उसका इंटरेस्ट,
तो मुसोलिनी को लगा 1915 में कि इनके साथ कोई फायदा नहीं, हमारे बड़े सारे एरिया ऑस्ट्रिया के हाथ में है और वो एरिया निकालना है, पढ़ाएंगे अभी चिंता ना करो। दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल मेरा ये है सर, गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी तुलना वैश्या से क्यों की है? तुम अगर बीएल ग्रोवर पढ़ोगे, बीएल ग्रोवर आज किताब जाकर उठाना, बीएल ग्रोवर उसका जो पहला पेज है, देखो निकालो निकालो, अगर पीडीएफ निकाला है तो उसका पहला पेज निकालो, उसमें लिखा है, सुनो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि राजनीतिक तवायफ की तरह होते हैं। तो आज की दुनिया में कौन कर रहा है? अरे कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, टीका लगवा दो, टीका बोले लगवा देंगे जी, लगवा दिए सबको टीका, बोले जुखाम, जुखाम नहीं कोरोना, तुमको टीका लगाओ, बोले टीका लगाओ इसको, टीका लगा। दुनिया में कभी किसी वायरस का टीका बना है? कितनी बड़ी बात। ये सवाल लेकिन तुम्हारा नहीं था, बैठो, ये सवाल तुम्हारा था ही नहीं, या तो तुमसे किसी ने पूछा। हिंदू स्वराज किस पेज पे है? बाद में लेकर आना। अगर तुम इस उम्र में हिंद स्वराज पढ़ रहे हो तो बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात। नहीं, अगर तुम हिंद स्वराज इस उम्र में पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात। इस उम्र में लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। अगर तुम हिंद स्वराज पढ़ रहे हो तो तुम बहुत आगे जाओगे, पक्का बता रहा हूं। तुम्हारी किताबों की जो चॉइस होती है ना, वो तुम्हारा भविष्य बताती है। भविष्य क्या है? वर्तमान का आउटकम। भविष्य कुछ भी नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, वर्तमान की चिंता करनी, क्योंकि भविष्य जो है वर्तमान की गोद से पैदा होता है। और अगर तुम्हारा वर्तमान इतना अच्छा है कि तुम हिंद स्वराज पढ़ते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं गारंटी कि आज से 5 साल बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम किसी बहुत अच्छी जगह पे होगे, बहुत अच्छी जगह पे रहोगे बेटा, ये मत छोड़ना। मैं जो आज तक कोई तैयारी करने वाला लड़का मिला ही नहीं जो हिंद स्वराज, तुम जब कहे हिंद स्वराज में लिखा तो हम चौंक गए, तुम कैसे पढ़ लिए हिंद स्वराज? उसकी वजह मैं बताऊं, बैठो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो पार्लियामेंट उसके कब्जे में था, तभी तो उसी के इशारे पे काम करती थी। फिर ब्रिटेन के पूंजीपतियों को लगा कि यार अगर सिर्फ इंडस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी मजा लेगी तो हम क्या करेंगे, उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए फिर उसने अपने अपने लोगों को फंड करना शुरू किया 1813 1833। तो वैश्या जो है वो जो फेंकेगा उसी के लिए तो नाचेगी, तो फेंकेगा कौन? और इधर बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं, एक मिनट बैठा, इन लोगों से पूछ लो, है ही नहीं, बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं है, डर रही हो, वो दो भाई बताओ। सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिर जो समाज होता है तो वो लोग हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हम लोग चाहते हैं। देखो देखो, मैं इस पे बोल चुका हूँ, ये कह रही है हम जब पढ़ते हैं तो समाज डिस्ट्रैक्ट करता है, समाज को दिखा के क्यों पढ़ रही हो? नहीं तो हम लोग नॉर्मली मत पढ़ो, एब नॉर्मली पढ़ो, नॉर्मली क्यों पढ़ रही हो? पढ़ते पढ़ते बाल आगे कर लो, ऐसे ऐसे करो, मैं मंजूलिका, तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं, तो दूर रहेंगे भैया। अभी वही तो बताया कि अपने ही तो विरोध करते हैं, यही तो कला है अपने आप को छिपाना। ये भैया इनको दे दो इधर, इनको दे दो, ऐसे ही पूछ लो, तुम तो इतना करीब में बैठे हो, बताओ कैसे क्या करना है, कोई पहिया थोड़े लगानी है। टाइम जितना, देखो टाइम का मैनेजमेंट तुम करो, 24 घंटे में 10 घंटे को छोड़ दो, 10 घंटे को छोड़ दो,
हाँ चलो 14 मान लेते हैं बिल्कुल, हम मानते हैं कि तुम्हारा टाइम लगता होगा 24 घंटे में, तुम 10 घंटे को छोड़ दो, सारे लोग सोना खाना पीना उठना बैठना जॉगिंग वॉगिंग सब मिला लो इसमें, इसे मिलाओ 10 घंटे को छोड़ दो 14 घंटे। अब इस 14 घंटे में तुम क्या क्या काम कर रहे हो, जैसे तुम बीए कर रहे हो तो क्लास भी जाते हो, तो 4 घंटा तो तुम्हारा क्लास चला गया है ना, बचा 10 घंटा। अब इस 10 घंटे को तुम्हें कैसे हिसाब से करना है उसको उसी हिसाब से अपना प्लान करो। तो कम से कम जब तुम्हारा बीए खत्म हो तो तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमेंट बने इतना कर ही लो, या जीएस का एक पोर्शन कर लो या ऑप्शनल खत्म कर लो, तो एनसीईआरटी और एक कोई चीज ग्रेजुएशन तक पूरा कर लो। देखो पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान संतों का देश है, किसी एक को पकड़ लो, सदगुरु को पकड़ लो, शांभवी कराते हैं, पंडित श्री श्री रविशंकर को पकड़ लो, सुदर्शन क्रिया कराते हैं, किसी एक आदमी को पकड़ो जो उस फील्ड का है। ऑनलाइन सारे कोर्स है, सारे कोर्स ऑनलाइन है सारे, किसी को पकड़ो, एक आदमी को पकड़ो, क्योंकि वो उस पर प्रतिदिन बोलेगा, तो जब बोलेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो मुसलमानों में देखो एक दिन फ्राइडे को जाते हैं, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि कम से कम सब लोग मिलेंगे तो एक उत्साह बढ़ेगा। मंदिर बनाया गया था, मस्जिद बनाया गया था कि एक ऐसी जगह जहां तुम जाओगे सिर्फ ध्यान करने, 24 घंटे में एक बार तो मंदिर जाओगे, तो जब तुम मंदिर के प्रेमिसेस में जाओगे तो तुम्हें अब पता है कि ध्यान करना है, मस्जिद में जाओगे ध्यान करना है। तो ऐसे किसी एक आदमी को पकड़ो ऑनलाइन और फिर शुरू करो। मन बहुत ताकतवर है, ये देखो क्या कह रहे मन की ताकत बढ़ाना, जो तुमसे सारे उल्टे सीधे काम करवा लेता है तुम्हारी मर्जी के बिना, तो बस यही ध्यान है, उसी ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं कह पाओगे क्लास में, लेकिन वो करा लेता है तुमसे, तो ताकत तो है ही है उसके पास, गलत जगह जा रही है, उसी को कन्वर्ट करना ध्यान कहते हैं। नहीं नहीं, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें मनोस्थिति बदलनी हो, मैं तुम्हें सूत्र बता दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने लगाया जीवन में, मुझे बहुत काम आया, मैं तुमको बता दे रहा हूं। तुम्हारे मन से एक चीज जुड़ी हुई है, तुम्हारी सांसें। जैसे तुम्हारी मन की स्थिति वैसे तुम्हारी सांसें। अगर तुम उत्तेजित हो तो तुम्हारी सांस बहुत तेज चलेगी, अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी सांस बहुत धीरे चलेगी। तो जब भी तुम्हें अपनी मनोस्थिति को बदलना हो, तुम अपनी सांस को बदल लो। इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो सांस ही तो रोकते हो, क्योंकि डर तो मन में लग रहा है, और डर को कंट्रोल कौन कर रहा है, सांस। तो जब भी इसी को बुद्ध ने विपासना कहा, इसी को गीता ने आनपान सती कहा, आनापान सती। तो ये छोटा सा सूत्र मेरे पास था, वो मैंने बता दिया, लेकिन किसी को ज्वाइन करो, तुम वैसे भी किसी को ज्वाइन करो, बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर मैंने पिछले साल भी तैयारी करी थी इसके लिए, मैंने इस वाला यूपीएससी, देखो उसको ऑन कर लो, यूपीएससी इस बार का मैंने दिया है, पर उसमें जब मैं आखिरी में लास्ट में था, मैं सर एक साल के लिए को पूरा मैंने उस पर प्रिपेयर किया, पर एक साल में मैं जब लास्ट में पहुंचा तो मुझको लग रहा था कि मेरा कुछ भी मुझको नहीं आता, जीरो ब्लैंक लग रहा था। और जब सर मैंने पेपर दिया तो वो पेपर देख के मेरे मतलब होश तो सबके उड़ गए थे, वो बात अलग, पर उस टाइम मुझको लग रहा था, पर मैंने काम करके उसको पेपर को दिया करा 60। सबके नहीं, ये देखो तुमने बहाना बना लिया, वो जो 10,000 लड़के देने जा रहे हैं उनके नहीं उड़ होंगे, जो तुम्हारा होश उड़ गया जी, उसी ने तो सब मामला खराब कर दिया जी। पर मैं अभी देखो तुमने कितना बढ़िया एस्केप रास्ता बना लिया, कि होश तो सबके उड़ गए होंगे, सबके उड़ जाते तो किसी का ना होता जी। 10,000 लड़के फिर मेज लिखेंगे ना जी, उनके नहीं उड़े, अगली बार जब जाना तो ये होश ना उड़ने पाए, यही को तो बचाना है सर। पर जब मैं लास्ट में वापस आया तब वो मैंने क्वेश्चन जब देखे तब उसमें मतलब मेरे क्वेश्चन सही थे, मतलब लास्ट में मतलब वो जो फील कर रहा था तो गोले ऊपर नीचे हो रहे थे, मतलब
वो कॉम्बिनेशन मेरा दिमाग उस जगह ब्लैंक कर गया था, डर गए ना जी सर, डर गए। एक बार मौत जो है, मौत एक गांव में जा रही थी, तो उस गांव के बाहर एक महात्मा जी रहते थे, तो महात्मा जी ने मौत से पूछा कि कहां, बोली गांव में जा रही हूं, प्लेग आने वाला है। तो बोले कितने लोगों को मारोगी, मौत ने कहा 50 लोगों को मारूंगी। प्लेग आया गांव में, 3000 लोग मर गए। तो जब मौत वापस जाने लगी तो महात्मा जी ने रोका, बोले तू तो बोली थी 50 लोगों को मारूंगी, बोली मैंने तो 50 ही मारे, बाकी डर के मारे मर गए। यहां 4-5-10 लोग मरे, बाकी लोग डर गए। तभी तो गब्बर सिंह ने एक बात बड़ी प्यारी कही, जो डर गया। अरे कुछ नहीं, वो जो होश उड़े तुम्हारे, वही बचाना है, अगली बार होश नहीं उड़ना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी सब कुछ खोने को अभी कुछ पाया नहीं है। कहां क्या खोगे, IAS अशोक खेमका जैसे एग्जांपल देखते हैं, 55 बार ट्रांसफर हो चुका है उनका। कई लोग देखते हैं IAS बन के अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस इतना रहता है, तो ये सब फैक्टर्स कई बार डीमोटिवेट करते हैं। मतलब कि आदमी बन के भी अंडर द टेबल चीज़ें नहीं करना चाहता है, करप्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, तो अल्टीमेटली यहाँ तो उसका रास्ता ये बनता है कि वो टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से, या फिर कई बार लोग अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। तो सर आपके हिसाब से इस चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए? मैं तो सिर्फ कृष्ण को देखता रहता, राधा से प्रेम करेंगे, रुक्मणी को लेके भाग जाएंगे। देखना ही तो है, तुम गलत लोगों को देख रहे हो। राधे 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 राधे। स्वामी प्रेमानंद जी है, प्रेमानंद जी है ना स्वामी जी, मैं तो भैया उनको एक लेक्चर एक दिन में जरूर सुनता हूँ, उनसे मिलने नहीं गया। आजकल बहुत लोग उनसे मिलने आते हैं, उनकी दोनों किडनी फेल है, डॉक्टर ने उनसे 17 साल पहले कहा था कि 2 साल पंडित जी और जिंदा रहोगे, बाबा बाबा तुम जा रहे हो। 17 साल वो आदमी अभी तक है। कैसे? राधे 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 राधे। तुम जिंदगी में देखते किसको, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों देख रहे हो इन लोगों को? नजर। मैं तो देखता ही नहीं, तो राधे राधे। किसको देखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो जिंदगी इसी का नाम है ना, झूठ भी बोलना है, मारना भी है, लेकिन बात किसकी करनी है? अहिंसा की। अर्जुन से मरवाना भी है कि तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाए। अर्जुन को यही तो दिक्कत पैदा हो रही महाभारत जब वॉर शुरू होने जा रहा है, सामने देख रहा बड़े बड़े लोग खड़े, फिर भगवान को देख रहा है, सोच रहा अगर ये रथ से किसी दिन उतर गए तो ये सब तो हमको पटक पटक के मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा तू टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा क्या करना है, तू बस गोली चला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यही तो इस जीवन का मजा है, जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, जो है। चलो ठीक है फिर, हाँ आपको फैजल भाई पूछना पड़ेगा, वो इस संस्थान का मालिक है, वही परमिशन देगा यहां कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। मैं तो कोई बात नहीं, आइए।